नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्टूडेंट फरमाइश के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशुतोष तिवारी आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब और आप सभी के परिवार वालों को। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो ये फेस्टिवल। साल में एक बार आते, एग्ज़ाम्स आते जाते रहते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि पढ़ाई की जल्दीबाजी और भाग दौड़ में हम अपनी ज़िंदगी को कहीं जीना ना भूल जाएं। सो अगर आज एक घंटा दो घंटा आपने कम भी पढ़ा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कल मेकअप कर लेंगे, कल दो घंटा कम सोएंगे और उसे इन्जॉय करो फेस्टिवल को। दिवाली आएगी, उसे भी अच्छे से इन्जॉय करो। एग्ज़ाम्स आएंगे, आपको बस सीरियसली नहीं, सिंसियरली प्रिपेयर करना है दोस्तों। दोनों ही वर्ड्स में बहुत डिफरेंस है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को पता है, ये हमारे नवरात्रि ऑफर प्लैटिनम पैकेज रेजिडेंट फरमाइश की 399 रुपीज़ में 600 प्लस टेस्ट, जिसे आपको लेने के लिए रेजिडेंट फरमाइश का ऐप डाउनलोड करना और ये जो बटन है इस पर क्लिक करके दोस्तों नीचे जाओगे तो आपको प्लान्स दिखेगा। वो प्लान्स में जाके आपको सेलेक्ट करना है या फिर आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा ये 399 का प्लैटिनम पैकेज लो ताकि इससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन होंगे आप और हमारे साथ अपने एग्जाम्स को प्रिपरेशन देने में आप कामयाब रहोगे दोस्तों। सो चलिए बिना समय को वेस्ट किए प्रोसीड करते हैं आज के कुछ सेशंस के ऊपर। आज कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस लेंगे हम, एक मिसलेनियस सेशन है, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। आने वाला 14-15 मिनट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। सबसे पहली बात करते हैं बुटिंग के ऊपर। यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कोल्ड बुटिंग और सॉफ्ट बुटिंग में, तो ये आप ध्यान रखना है कि बुटिंग होता क्या है। जस्ट लाइक बुटिंग कुछ नहीं होता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का ऑप्शन होता है, नथिंग मच मोर देन दैट। आप ध्यान रखना, जब भी आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो उसे हम बुटिंग बोलते हैं। टू टाइप्स के बुटिंग होते हैं, कोल्ड एंड सॉफ्ट। कोल्ड बुटिंग क्या होता है, जब भी आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो स्विच ऑफ रहता है जो कंप्यूटर, उसे आप स्टार्ट करते हो। यानी अगर मैं कोल्ड बूटिंग में बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम साथ में पीसी, यानी सब कुछ क्या रहता है, ऑफ रहता है। हमने जनरली अगर रीस्टार्ट किए तो हमारे कोल्ड बूटिंग के अंदर आएगा। वर्म बूटिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर हमारा स्टार्ट रहता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बस हम अकेले रीस्टार्ट करते हैं। अगर हमने बस सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट किए विदाउट बीइंग स्विच ऑफ, यानी हम कंप्यूटर सिस्टम यानी पीसी को ऑफ नहीं कर रहे, बस हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टार्ट कर रहे, तो उसे हम वर्म बूटिंग करते हैं कहते हैं दोस्तों। तो ये बातें आपको ध्यान रखना होगा। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोल्ड बूटिंग, जिसे हम सॉफ्ट बूटिंग भी बोलते हैं, ये क्या होता है, हम नॉर्मली पीसी को रीस्टार्ट करते हैं जिसमें ओएस पीसी सब कुछ बंद रहता है और उसे हम फिर से चालू करते हैं। वार्म बूटिंग में क्या होता है दोस्तों कि हम बस ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू करते हैं, कभी कभी क्या होता है सिस्टम हैंग हो जाता है, क्लैश हो जाता है, तो हम बस ओएस को चालू करते हैं। चलिए आगे दोस्तों प्रोसीड करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ बसेस की बात करते हैं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हमेशा देखने मिलता है। डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। मैं आपको पहले बता दूं कि लाइक मैंने बोला कि मुझे यहाँ से लाइक नागपुर से मुझे कोई भी चीज़ छत्तीसगढ़ भेजना है, तो आप ध्यान रखना सबसे पहले क्या है कि एक बहुत इस चीज़ को प्रोसेसली बेसिक से समझना। अगर मुझे एक पार्सल भेजना है तो पार्सल इज़ जस्ट लाइक माई डेटा, यानी पार्सल जो है वो मेरा डेटा है। अब क्या हुआ, एड्रेस नागपुर एंड छत्तीसगढ़, ये क्या एड्रेस हुआ। तीसरा कंट्रोल होता है, जब भी मैं नागपुर से छत्तीसगढ़ पार्सल भेजूंगा तो वो पार्सल नागपुर से निकलेगा, फिर फ्लाइट में चढ़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ के वेयर हाउस में पहुँचेगा, फिर वहाँ से निकलेगा, फिर कंसर्न पीपल के पास पहुँचेगा। यानी आपको तीन तरह के कमांड करने पड़ते हैं, पहला डेटा को कंट्रोल करना, दूसरा एड्रेस को कंट्रोल करना, तीसरा आप सारे प्रोसेस को कंट्रोल करो। तो डेटा बस में क्या होता है, डेटा इज ट्रांसफर्ड कैरिड बाय डेटा बस। जो भी डेटा बस में क्या होता है, जो ट्रांसफर डेटा है वो डेटा बस के थ्रू जाता है। एड्रेस बस में क्या होता है, द एड्रेस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो मैंने आपको बोला कि फ्रॉम नागपुर टू छत्तीसगढ़, अगेन आप इनपुट करोगे तो इनपुट और जो आउटपुट आएगा वो आपका आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होगा, तो उसे जो भी कैरी करता है वो एड्रेस बस होता है। कंट्रोल बस क्या होता है, जो इंस्ट्रक्शन और कमांड को एक्सेस करता है मेमोरी में और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, उसे हम कंट्रोल बस बोलते हैं दोस्तों। चलिए आगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, चार टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, इसके ऊपर बहुत बार दो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। हमेशा ही हमेशा मैंने जितने भी टेस्ट दिए इसके ऊपर क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं आपको एक बेसिक सी जानकारी देता हूँ। देर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर्स यूज्ड इन कंप्यूटर, पहला डेसिमल, दूसरा बाइनरी, तीसरा ऑक्टल एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो आपको ध्यान रखना है, बाइनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिसकी बेस वैल्यू दो होती है। बेस क्या होती है, टू होती है, यानी दो नंबर्स कौन से होते हैं, जीरो एंड वन। जीरो और वन होते हैं बाइनरी नंबर। डेसिमल वैल्यूज वो नंबर होते हैं जिसकी बेस टेन होती है, ये टेन होते हैं जीरो टू नाइन वाले नंबर्स। सेम वे से ऑक्टल, जिसकी बेस एट होती है,
हमेशा याद रखना बेस और वो नंबर होंगे 0 to 7, हेक्साडेसिमल बेस 16 और वो नंबर होंगे 0 to 9 एंड A to E। कमॉन एक बार फिर से दोस्तों कंसंट्रेट करते हैं, मैं एक बार बताता हूँ। बाइनरी नंबर वो नंबर हैं जिनके बेस जो है वो 2 रहेंगे और वो दो नंबर्स कौन से रहेंगे, 0 और 1 को हम बाइनरी बोलते हैं। डेसिमल नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इसका बेस 10 है और डेसिमल नंबर कौन से रहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 10 नंबर को हम डेसिमल बोलते हैं। अगर मैं ऑक्टल की बात करूं तो इसकी बेस वैल्यू 8 रहती है। बहुत बार पूछा जाता है कि ऑक्टल की बेस वैल्यू क्या है, इसमें जो नंबर आते हैं वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ सेम वे से अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करता हूं तो हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू 16 होती है, यानी टोटल 16 नंबर्स होते हैं, ये होते 0 to 9 जो ये 10 नंबर हो जाएंगे। और हम यहाँ पर 10 को A से डिनोट करते हैं, 11 को B से, 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से डिनोट करते हैं। ये 6 हो गए A to F और ये 0 to 9 10 नंबर, यानी 10 और 6 16 नंबर हेक्साडेसिमल में आते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करो या हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करो, बट कहीं कहीं ये क्वेश्चन आता है कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, हेक्साडेसिमल के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आता। जैसा मैंने आपको बोला कि आपको 23 को बाइनरी क्या है, डेसिमल नंबर है क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 है। अब ऐसा रहेगा कि 23 10 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करो तो आपको क्या करना, बाइनरी की बेस वैल्यू 2 होती है तो आपको इसे 2 से डिवाइड करना है। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 11s are 22 carry 1, अगर आपने फिर से इसे 2 से डिवाइड किए 2 5s are 10 carry 1, अगर आपने फिर से 2 से डिवाइड किए 2 2s are 4, सॉरी 2 2s are 4 carry 1, अगर आपने फिर से इसे 2 से डिवाइड किए तो 2 1s are 2 carry 0। अब आपको नीचे से लिखना है, नीचे से यानी 10111, ये आपका हो गया बाइनरी नंबर्स, इसकी बेस वैल्यू 2 रहेगी दोस्तों। तो ये ध्यान रखना होगा बात को दोस्तों आपको कि इसकी बेस वैल्यू कैसे रहेगी। सेम वे से मैं आपको इसी प्रॉब्लम को लाइक 10111 ये डेसिमल को बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, एक बार फिर से बहुत ध्यान से देखना। हमारा नंबर क्या था दोस्तों, 10, ये हमने कन्वर्ट किए थे 23 को, ये आया था 10111। तो चलिए एक बार हम फिर से नंबर लेते हैं, 10111, ये हुआ हमारा बाइनरी, इसे हमें डेसिमल कन्वर्ट करना है। बहुत ध्यान से देखना, आपको पहले सारे नंबर्स को लिखना है, 10111, सबको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखो राइट साइड से 2 की बेस वैल्यू देना चालू करना, 0 1 2 3 4, सारे को ऐड करना है। अगेन मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखिए अब इसे चेंज कीजिए, 1 into 2 raised to power 4, दैट इज़ यहाँ पे 16, ये वाली वैल्यूज़ का आंसर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 1 is to 2 और ये हो जाएगा 1, यानी अगर आप इसे ऐड करते हो तो 16 plus 4 20 plus 2 plus 1 that is 23। तो ये हमारा जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए थे बाइनरी नंबर को डेसिमल को बाइनरी कन्वर्ट किए थे, अगेन हमने बाइनरी को डेसिमल कन्वर्ट किए। तो बात है आपको बस प्रोसेस ध्यान रखना होगा, हमेशा इसके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, ऑक्टल के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। बट अगर आता है तो आप क्या करोगे, आता है तो आप क्या करोगे दोस्तों, मैं बता देता हूँ। लाइक मैंने अगर बोला 23 को ऑक्टल में कन्वर्ट करो तो आपको करना कुछ नहीं है, 23 को ऑक्टल की बेस 8 होती है, 8 से डिवाइड करना है, 8 to 16 carry 7, यानी ये क्या हो जाएगा 2 7, ये हो गया ऑक्टल नंबर्स। नाउ अगेन अगर मैं इसकी बात करता हूँ कैसे आप कन्वर्ट करोगे इस नंबर को, फिर से अगर आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है तो ऐसा लिखो 2 और 7, अगेन 7 into 8 2 into 8, दोनों को ऐड करना था, power 0 power 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8 to 16 16 plus 1 17, यानी प्रोसेस सेम रहेगी दोस्तों जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। यह हमारा ऑक्टल टू बाइनरी था, ऑक्टल टू डेसिमल था, सॉरी डेसिमल टू ऑक्टल था, और ये हमारा ऑक्टल टू डेसिमल है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं।
यहाँ पे दोस्तों हमने गलती किए थे। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, शायद जल्दीबाजी में गलती हो गई। दिस इज 7 × 8⁻⁰, दैट इज़ 1, यानी 7 होगा, 16 + 7 = 23। तो ये हमने 23 को ही कन्वर्ट किए थे, इसे आप एक बार करेक्शन कर लेना दोस्तों। रियली सॉरी फॉर दिस। नो आगे प्रोसीड करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशंस है जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। मैं स्लाइड्स को एक 10-10 सेकंड के लिए व्यू करूंगा और आप उसके स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये चीज़ें पढ़ाने वाली नहीं है, बट हाँ ये याद करने वाली चीज़ें मैं बता दूंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? आस्की, इसकी हमेशा पूछी जाती है। बेसिक हमेशा पूछा जाता है। कोबोल हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। कैड और कैम, ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। अगेन अगर नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सीडी रोम हमेशा पूछा जाएगा। अगर रोम की बात होती है तो आप सबको पता है रोम इज़ अ नॉन वोलाटाइल टाइप ऑफ मेमोरी। नॉन वोलाटाइल होता है रोम, जिसमें 5 टाइप होते हैं, रोम, प्रोम, ईप्रोम, डबल ईप्रोम, ये 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स है। और रैम के अगेन अगर मैं फिर से रिविज़न करता हूँ तो रैम के 2 टाइप होते हैं, एस रैम एंड डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रैम इज़ अ वोलाटाइल मेमोरी, यानी जो भी आप डेटा लिखोगे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे कंप्यूटर ऑफ होने के बाद। यहाँ पे डीवीडी रोम, अगेन सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर आपको सीडी रोम है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, डीवीडी मीन्स डीवीडी रीड ओनली मेमोरी। अगर आप डीवीडी की बात देखो डिजिटल वीडियो डिस्क, बस वही सारी चीज़ें हैं। तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेते चलो दोस्तों। अगेन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ई प्रोम, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनैक, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये फर्स्ट न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन है, हमेशा ही पूछे जाते हैं इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ये बात आप ध्यान रखना। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको फिर से इसके स्क्रीनशॉट लेना होगा, यहाँ पे आपको GIF के वीडियो पूछे जाएंगे। जो आज GIF हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हार्डली 10 to 5 seconds to 10 seconds के ये वीडियो होते हैं, जिसे हमें स्पेशल पर्पज़ वीडियो बोलते हैं, यानी वो लूप में घूमते रहता है वही का वही वीडियो। नेक्स्ट अगेन आपको इसके स्क्रीनशॉट लेते चलना है। यहाँ पे JPEG, जो मैं आपको बताया था पिछली क्लास में कि क्या होता है JPEG, हमेशा इमेज का एक फाइल एक्सटेंशन होता है। सेम आपको याद रखना होगा JPEG क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। हमें आज तक यही लगता था कि JPEG टाइप ऑफ फाइल, बट उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप दोस्तों। नाउ नेक्स्ट, आप इसके स्क्रीनशॉट लेते चलो दोस्तों सारे की। यहाँ से MICR के बहुत बार पूछे जाते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये देखिए OCR और MICR में क्या होता है कि OCR में हम जो देखते हैं, जो जनरली लास्ट यानी पहले जो हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या रहता था, ऐसा एक शीट रहता था जिसमें ऐसे कैरेक्टर्स रहते थे। तो OCR इज़ जस्ट लाइक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो जो हम शीट रखते थे उसको ऑप्टिकल रेज के साइड में रखा जाता था, और जहाँ पे भी हमने डॉटेड किए रहते थे वो सारे को देख लेता था, और फिर वो मैचअप करता था कंप्यूटर के एग्जैक्ट आंसर से और हमारा रिजल्ट आता था। आजकल ऐसा नहीं होता, आज ऑनलाइन एग्ज़ाम है। तो ये OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये एक अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है। सेम MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, आप इसको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट मिलते जाएंगे। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मैंने आपको पहले ही बता चुका था। TCP और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें हम डिस्कस किए थे IP4 और IP6 क्या होता है और कैसे दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है दोस्तों। सो आप इसकी पूरी स्क्रीनशॉट लेते चलो। URL हमेशा पूछा जाता है, URI भी पूछा जाता है, यूनिफॉर्म्स रिसोर्स आइडेंटिफायर और लोकेटर। UNIAC, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जो आपको याद रखना होगा। VGA, इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। Wi-Fi, वायरलेस फिडेबिलिटी, WLAN एंड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये बहुत कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमने LAN पढ़ा हुआ है। सेम लाइक WLAN, अब याद रखना जहाँ पे X लग जाएगा वहाँ पे एक्सटेंसिबल आ जाता है, और जहाँ पे W लग जाएगा वहाँ पे वायरलेस आ जाता है। HTML मीन्स एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP भी हमने पढ़े थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक ऐसा प्रोटोकॉल जो इंटरनेट प्रोवाइडर यानी हमें अपने एक वेब एड्रेस तक पहुंचाता है। अगेन XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ये बातें आपको ध्यान रखने को दोस्तों।
उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखा होगा और ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। दोस्तों, कल के बाद हमारे पास 4 दिन बचते, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इन 4 डेज में 50-50 क्वेश्चन हर सेशन में करेंगे दोस्तों। सो आप जाओ, फेस्टिवल को अच्छे से इंजॉय करो, अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांटो, आप भी खुश रहो, ज़िंदगी में रिलैक्स रहो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है, यू ऑल आर मैच्योर। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलना दोस्तों, अपने दोस्तों तक पहुँचा और शायद उन तक उनके कुछ काम आ जाए ये वीडियो। सो एक बार फिर से आप सभी को विजयादशमी, नवरात्रि, आने वाले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फेस्टिवल को एंजॉय करो और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफलता अर्जित करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर माय लवली फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।